हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह बोलकर बॉलीवुड के साथ और लेकर आई हूं बैरिस्टर बाबू के एक और एक्सक्लूसिव अपडेट। जी हां, चलिए अब ये जानते हैं आखिरकार इस एक्सक्लूसिव अपडेट में आपको क्या पता चलेगा। तो चलिए ज्यादा वक्त ना लगाते हुए आपको ये बता दूं कि आखिरकार एक और जो है जिनकी एंट्री होने वाली है बहुत जल्दी बैरिस्टर बाबू में, जहां पे बॉन्दिता अनुरुद्ध के बीच में सब कुछ आपको नॉर्मली थोड़े वक्त में अच्छा होते हुए नजर आएगा कि भैया दोनों एक टीचर और जिस तरह से वो उनको टीच करने वाले हैं, जिस तरह से उनकी लाइफ को आगे लेकर जाने वाले हैं, सब कुछ जहां पे अच्छा चलते हुए आपको नजर आएगा, वहीं पे एक विलन की एंट्री इस शो के अंदर होने वाली है, मतलब निगेटिव रोल में नजर आने वाली है। अब वो कौन है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। बेहतरीन कलाकार है, हमने इससे पहले भी उनको बहुत सारे शोज में देख लिया है। तो जी हाँ, हम बात करें राजेश्वरी सचदेव की। जी हाँ, राजेश्वरी इससे पहले बहुत सारे शोज में वो काम कर चुकी है। अब राजेश्वरी इस शो में काम करने वाली है, जहां पर वो बुआ का किरदार निभाते हुए नजर आने वाली है बॉन्दिता की। जी हाँ, दादी बुआ का किरदार वो निभाते हुए वो शो के अंदर नजर आएंगी, जहां पे बॉन्दिता और अनुरुद्ध का जो ये रिश्ता है उसे वो पूरी तरह तोड़ने की कोशिश करेंगी। और अगर उनसे वो नहीं हो पाता है तो वो ये कोशिश करेंगी कि बॉन्दिता कहीं भी पढ़ लिख ना पाए। जी हाँ, क्योंकि एक जिस माइंड के साथ और तब लड़कियों को एक तरह से बड़ा किया जाता था, तब हम ज्यादा करके हमने यही देखा है कि एक लड़की ही, या तो मैं कह सकती एक औरत ही एक लड़की को आगे नहीं बढ़ने देती थी। ये नॉर्मली हमने बहुत पहले से ये देखते हुए हम आए हैं। बस इसी चीज को आगे होते हुए इस शो में भी आपको नजर आएगा, जहां पे राजेश्वरी किसी भी तरह से नहीं चाहेंगी कि बॉन्दिता अपनी स्टोरी अपनी जो स्टडीज है उसे कहीं ना कहीं वो कंप्लीट कर पाए अपनी पढ़ाई को। इसी की वजह से वो बॉन्दिता और अनुरुद्ध को वापस एक बार अलग करने की कोशिश किसी और के जरिए करते हुए आप लोगों को इस शो के अंदर नजर आएगा। वैसे हम सब जानते हैं शो के अंदर आने के बाद कहीं ना कहीं टीआरपी का भी खेल खेला जाएगा, क्योंकि बॉन्दिता और अनुरुद्ध को जब भी अलग करने की कोशिश की गया है हमने हमेशा देखा है टीआरपी हमेशा बहुत ज्यादा हाई हुई है। जहां पे इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि बॉन्दिता को जलाने की कोशिश की जा रही है, अनुरुद्ध उनको बचाने की कोशिश करें, किस तरह बचाएंगे क्या करेंगे, तो हम सब जानते हैं कि वो बची जाएंगी। पर उस बचने के बाद जहां पे ये स्टोरी जहां पे खत्म होगी, जहां पे अनुरुद्ध और बॉन्दिता ये बात डिसाइड और हर कोई ये बात मान लेगा कि वो उनके गुरु बन के उनके साथ रहेंगी और वो उनको कहीं ना कहीं वो टीच करते हुए नजर आएंगे कि लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना है, वही जब शो बिना विलन के कैसे चल सकता है। इसी के लिए ही कहीं ना कहीं राजेश्वरी की एंट्री की जा रही है, जिसके जरिए ही इन दोनों के जो एक तरह से भूचाल है वो वापस आप लोग को नजर आएगा। पर इससे भी अनुरुद्ध और बॉन्दिता कहीं ना कहीं निकल जाएंगे, ये तो हम सब जानते हैं। पर राजेश्वरी के शो में आने के बाद जरूर शो की टीआरपी को कहीं ना कहीं एक अलग ही बूस्ट मिलेगा। आप मुझे बताइए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं इनकी री एंट्री को लेकर। और उसी के साथ आप हमें ये भी जरूर मेंशन कीजिएगा कि जब बॉन्दिता और अनुरुद्ध के बीच में जो इस वक्त चल रहा है, जो इतने सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, आप उस चीज को कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर मेंशन कीजिएगा। बाकी खबरों के लिए यूं बने रहिए बोलबुल बॉलीवुड के साथ।